दोस्तों भारत की एक सिटी जो अपनी प्रसिद्ध मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला के नाम पे विख्यात है, ये मिठाई यहीं पे इन्वेंट हुई थी। रसगुल्ले को सबसे पहले 1868 में कोलकाता के स्थानीय हलवाई नोविन चंद दास द्वारा बनाया गया था। इस मिठाई को काफी प्रसिद्धि मिली जो कि आज के टाइम में हम सबकी फेवरेट है। भारत देश में स्थित पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता भारत के चार महानगरों में से एक है। इसे देश की कल्चरल कैपिटल और सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी के तट पर बसा कोलकाता सिटी हिस्टोरिकल सिटी के साथ साथ मॉडर्न सिटी भी है। इस शहर का खाना, रहन सहन, संस्कृति, इमारतें, बोली, सब कुछ अद्भुत है। पर्यटकों के लिए कोलकाता बहुत ही पसंदीदा जगह है। तो चलिए जानते हैं इस शहर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको तंग कर देंगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेजफुल वीडियो। दोस्तों फैक्ट की बात तो ये भी है कि क्षेत्रफल के हिसाब से कोलकाता भारत का दूसरा बड़ा शहर है। नंबर वन पे दिल्ली है। वैसे तो पूरा भारत क्रिकेट का दीवाना है, लेकिन कोलकाता का सबसे प्रिय लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है जिसका नाम है साल्ट लेक स्टेडियम। और इंटरेस्टिंग बात, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम ईडन गार्डन है कोलकाता में ही है। इसकी क्षमता 67,000 दर्शकों की है। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, लेकिन एक टाइम में, ब्रिटिश टाइम में, ये दिल्ली की जगह पूरे भारत की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों कोलकाता देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां हाथ से खींचने वाले रिक्शे चलते हैं। हालांकि ये अभी लगभग बंद हो चुका है। इसके साथ ही देश में आज कई शहरों में मेट्रो चल रही है, लेकिन सबसे पहले, लगभग 2 दशक पहले, कोलकाता में पहली मेट्रो रेल चली थी। इसके साथ ही दोस्तों कोलकाता का सबसे बड़ा प्रसिद्ध त्योहार दुर्गा पूजा नवरात्र के दिनों में जो रौनक बंगाल में होती है वो और कहीं देखने को नहीं मिलती। यहाँ के भव्य पंडालों की शोभा देखने लायक होती है। इसके साथ ही भारत का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में है। ये करीब 12,000 साल पुराना है। इसके साथ ही कोलकाता में स्थित नेशनल लाइब्रेरी देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। दोस्तों इसे अंग्रेजी हुकूमत में कलकत्ता, कलकत्ते कहा जाता था और अब इसका नाम कोलकाता है, जिसे 3 गांव कालीकट, गोविंदपुर और सुतनुती को मिलाकर बनाया गया है। और तो और दोस्तों कोलकाता को भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों कोलकाता की हुगली नदी पर बने हावड़ा ब्रिज में एक भी नट नहीं। और दोस्तों इसके पूरे स्ट्रक्चर को साल 1943 में रिवेट करके यानी कीलों से जोड़कर बनाया गया था। और यहीं पे दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा अयाशी का अड्डा यानी कि सोनागाछी है। सोनागाछी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ये वो जगह है औरतों के लिए 150 की बोली लगाई जाती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे।